नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए निकाली गई भर्ती पर रोक के बाद अब आवेदकों को 15,000 में नौकरी पक्की करने के नाम पर ठगी गिरोह के सक्रिय होने का मामला सामने आने लगे हैं। इन मामलों में नगर निगम द्वारा सभी आवेदकों से बिचौलियों और दलालों से बचने की अपील के साथ कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती पर रोक के बाद गैंग सक्रिय हुई है, जिन्होंने आवेदकों से 15,000 रुपए में नौकरी पक्की लगाने की बात कही। मेयर धर्मेंद्र गहलोत का कहना है, सबके सामने लॉटरी निकालकर उन्हें कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट दफ्तर में सीलबंद किया गया है। ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति उसमें हेराफेरी नहीं कर सकता और न ही किसी को नौकरी लगवा सकता है, लेकिन विगत कुछ दिनों से ठग गैंग द्वारा आवेदकों को नौकरी देने के फोन किए जा रहे हैं और नौकरी पक्की करने की बात कहकर 15,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर नगर निगम द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और निगम प्रशासन ने सभी आवेदकों से अपील करते हुए कहा कि किसी को इस मामले में पैसे ना दे, इन पैसों के माध्यम से नौकरी नहीं लगेगी, वह लॉटरी के माध्यम से ही लगेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त राजस्थान के अंदर नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती का जो चल रही थी प्रक्रिया, इसके अंदर अजमेर में भी ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस अजमेर की प्रक्रिया के अंदर कर्मचारियों के जो आवेदन थे वो आवेदन प्राप्त किए गए, इनकी लॉटरी निकाली गई। लॉटरी भी पटेल मैदान में सार्वजनिक रूप से कलेक्टर महोदय के द्वारा और सरकार ने जो निर्देशित किए माननीय मंत्री महोदय अनिता बधेल जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस लॉटरी को खुलेआम निकाला गया। चूँकि न्यायालय श्रीमान, उच्च न्यायालय श्रीमान के आदेश थे, इसके कारण वो लॉटरी को सील पैक लिफाफे में उस निर्णय को किया गया, जो आज भी जिलाधीश महोदय की कस्टडी के अंदर है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी जितेश जो हमारे संविदा कर्मी है, इसने बताया कि इस नौकरी लग जाएगी, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इस बाबत प्रलोभन देते हुए लोगों से फ़ोन कर करके, अलग गृह प्रकार का है वो, 15,000 रुपये की लोगों से डिमांड कर रहा है कि अगर 15,000 रुपये उनके बताए हुए खाते में आप जमा करा देते हैं तो आने वाली सूची में इनका नाम आ जाएगा। जैसे ही हमारी इस चीज़ की जानकारी में आया, उसकी तायद के रूप में हमने भी हमारे समक्ष इस फ़ोन को कराया, तो निश्चित रूप से वो आदमी फ़ोन पर इस बात की डिमांड कर रहा है। हमने जब उसको व्यक्तिगत रूप से कहा कि भाई आके पैसे ले लो, और उसकी जिद यही है कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि उसके खाते में जमा करा दें, तो इस प्रकार का जो गंभीर प्रवृत्ति गया है। हम बार बार लोगों से हमने ये भी निवेदन किया था कि खुली एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयन होने वाला है, लॉटरी के द्वारा भाग्य के भरोसे ही चयन होने वाला है, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी के प्रलोभन में नहीं आए। फिर भी एक गिरोह सक्रिय होकर इस प्रकार का प्रलोभन दे रहा है और अलग अलग लोगों को इस प्रकार की जानकारी आई कि अलग अलग फोन से ये हो रहा है। तो जैसे ये मामला हमारे ध्यान में आया, चूँकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।